بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق

व हदीफ़ इमाम बकी रही ने अपनी किताब शब्म के अंदर रवायत की है शेखल्बानी रमोतल्ली ने इस हदीस को सही कररार दिया है अब्दुल्ल इबन आमिरबन आस रदील तू ने नबी आई सलाम से ये बात रिवायत की है कि नबी आ सलामाम ने पूछा कि खैरन्नास लोगों में सबसे बेहतर लोग कौन हैं और आप सल्ह वसलम ने जवाब दिया तो फ़रमाया मखमूम वलिसकों में सबसे ज्यादा अच्छा इंसान वो है जो साफ दिल हो सच्ची जबान वाला हो इस हदीस में सबसे पहले हदीस और तवील है हम उसे मुकम्मल करेंगे लेकिन यहाँ रुक कर पहले इस मसले को हम समझ लेते हैं आप अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में सबसे बेहतर लोगों की एक और किस्म को बयान किया है और ये वो लोग हैं जिनके अंदर दो सिफात पाई जाती हों सिफात से मुत्तसिफ लोग खैरन्नास हैं सबसे अच्छे लोग हैं एक तो अल्लाह के नबी ने कहा साफ़ दिल और दूसरे सच्ची जबान वाले यानी हमेशा सच बोलने वाले और दूसरे पाको साफ़ दिल के मालिक लोग साहबा ने नबी वसलाम से पूछा अल्लाह के नबी ये जो सदकुल्लिसान सच्ची ज़बान वाला ये तो हमें मालूम है सच बोलने वाला है लेकिन दुल कलबिल मखमूम खाली दिल साफ़ दिल जो आपने ये कहा इससे मुराद क्या है नबी वसलाम ने फरमाया, फ़रमायासत नबी सलासलम ने कहा एक तो मुत्तकी तकवे वाला हो दूसरा वो दिल पाक हो किस किस चीज़ से पाक हो उसमें गुनाह ना हो उसमें जुल्म ना हो उसके अंदर हसद ना हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का सीधा सा मतलब ये है कि लोगों में सबसे बेहतर लोगों में शामिल होने के लिए दो सिफात हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए सबसे पहली बात यह कि हम हर हाल में सच बोला करें सच बोलने को अपनी आदत बना लें सच्चाई हमारी आदत हो सच्चाई हमारा मामूल हो नफा हो के नुकसान हो हम और आप सच ही बोला करें और कमाल की बात आप ये बात जान लें कि सच में हमेशा आदमी का फायदा होता है आमतौर पर लोग एक बात पूछेंगे और पूछना भी चाहिए अगर सच बोलने में हमेशा फायदा है तो फिर आदमी झूठ क्यों बोलता है झूठ इसलिए बोलता है कि उसे जल्द मिलने वाला फायदा नुकसान जल्द मिलने वाला सच बोलने में सच बोलने में कोई फायद, फौरी नुकसान है लेकिन बाद में बड़ा फायदा है झूठ बोलने में फौरी नुकसान से बच जाता है बाद में बड़ा नुकसान है इंसान की नजर हमेशा कोता होती वो करीब की चीजें देखता है इस वजह से क्या करता है फौरी झूठ बोलकर समझता है कि मैं फायदे में हूं फौरी नुकसान से मैं बच रहा हूं लेकिन वो ये नहीं देखता सच बोलने में वक्ती नुकसान के बावजूद देर का जो फायदा है उसे वो देख नहीं पाता इंसान कोताहबीन है वो अपनी करीब की चीजों को ही देख पाता है दूर रस निगाह से अक्सर वेशतर लोग महरूम होते हैं इसीलिए जिनकी शख्सियत मजबूत होती है जिनकी सोच पुख्ता होती है वो हमेशा सच बोला करते हैं इसलिए कि उनको पता है कि सच में वक्ती नुकसान भी हो तो बाद का बड़ा फ़ायदा है झूठ में वक्ती फ़ायदा भी हो तो बाद में बड़ा नुकसान इसलिए नबी नबीसरासलाम ने यह सिफत बयान फरमाई कि लिसान हो बंदा सच्ची जबान का मालिक हो जबान उसकी सच्ची होनी चाहिए सच्ची जबान का मालिक बंदे को होना चाहिए एक सिफत और दूसरी सिफत अल्लाह के नबी ने कहा उसका दिल खाली हो मखमूम हो नबी वसल्लम की जबान से सुने गए ये अल्फाज सहाबा के लिए अल्फाज की हैसियत से तो मालूम थे लेकिन उनका हकी मफहूम सहाबा की समझ में नहीं आया तो सहाबा ने पूछ लिया अल्लाह के नबी सदान का माना तो समझ में आता है लेकिन ये आपने जो कहा पाक दिल इसका क्या मतलब किस किस्म की पाकी नबी सलाम ने दो सिफात बयान की पास सबसे पहले तो तकवे वाला दिल होना चाहिए यानी अल्लाह ताला का डर जिस दिल में हो और दूसरे नंबर पे क्या अन्नकी, अन्नकी एक तो पाक हो और दूसरा साफ हो अल्लाह ताला का डर हो और उसके अंदर पाकी सफाई हो किस चीज से पाक होना चाहिए तीन बुनियादी जज्बात अल्लाह के नबी ने जिक्र किए इनसे आदमी का दिल पाक होना चाहिए पहली चीज अल्लाह के नबी ने कहामफी उसमें गुनाह की मोहब्बत ना हो गुनाह का जज्बा उसके अंदर न हो यह बात याद रखें फितरी तौर पर अल्लाह तबारक ने इंसान के दिल के नज़दीक ईमान को महबूब बनाया है और अल्लाह तबारक ने कुफर को बेदीनी की बात को और अल्लाह ताला की ना फरमानी को नापसंद बनाया है सूर्य में अल्ला अल्लाह ईमान व जनफ़ी कुलूबी कुम व कर्र कुमकफ़्र वफसूक़ वान अल्लाह ताली ने तुम्हारे दिलों के नज़दीक ईमान को महबूब भी बनाया है और उसको मुजीन कर दिया तुम्हारे दिल को मुजीन कर दिया ईमान से और साथ ही तुम्हारे नज़दीक कुफ्र को फिसजूर को और अल्लाह ताली की नाफ़रमानी को नापसंदीदा अल्लाह तना दिया अब जो दिल इसी कैफियत पे रहे तो वो दिल ला इसमी इसके अंदर इस दिल के अंदर गुनाह का जज्बा नहीं गुनाह की मोहब्बत नहीं लेकिन होता क्या है इंसान को जब कभी शहवाद गालिब आते हैं गुनाह करता है तो फिर गुनाह उसके दिल में जगह बनाने लगता है यहाँ तक कि गुनाह की मोहब्बत जगह बनाती है फिर जड़ पकड़ती है फिर दिल पे पूरी तरीके से मुसलत हो जाती है नबी बीलीसरासलाम ने कहा सबसे अच्छे जो बंदे होते उनके दिल में गुनाह के लिए जगह नहीं होती ये पहली सिफत कि गुनाह के जज्बे से पाक होता है दूसरी बात अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई अलबगी जुल्म के लिए उनके दिल में गुंजाइश नहीं होती वो किसी भी किस्म के जुल्म को पसंद नहीं करता उनके दिल में किसी पर भी जुल्म करने का जज्बा नहीं होता जुल्म क्या है हकदार को हक ना देना जिस चीज़ का जो मुकाम है वो मुकाम पे न रखकर किसी और मुकाम पे रखना ये जुल्म झुलम कहलाता है तो जो आदमी हकदार है उस आदमी का हक देने का जज्बा उनके दिलों में होता है किसी का भी हक मारने और किसी की भी हक तलफी करने किसी का भी हक गसब कर जाने किसी का भी हक हड़प लेने का जज्बा उनके दिल में नहीं होता वो जुल्म करने वाले नहीं होते किसी का एहतराम उनका हक है वो उस हक को अदा करने वाले होते हैं किसी के साथ खैर ही उनका हक है वह खैर ही करने वाले होते हैं किसी का माल उनके पास है उनके दिल में इस माल के तई जुल्म करने का कोई जज्बा नहीं होता हर किस्म के जुल्म से उनका दिल पाक होता है गुनाह से पाक होता है जुल्म के जज्बे से पाक होता है और तीसरी चीज नबी अलीसतम ने कही वाला हसद इस दिल में हसद का जज्बा भी नहीं होता हसद क्या है जलन महसूस करना किसी भी दूसरे इंसान के खैर और खूबी अच्छाई कोई भी नेमत उसके पास देखकर जलन महसूस करना उसको देखकर ख्वाहिश पैदा हो और आप अल्लाह से आरज़ू करें दुआ करें अल्लाह मुझे भी ये दे ये जायज़ है लेकिन आप उसे देखकर जलन महसूस करें मुझे नहीं है तो उसके पास क्यों है और उससे आगे बढ़कर यह तमन्ना करें मेरे पास नहीं तो उसके पास भी ना रहे ख़त्म हो जाए यह हसद है नबी वसलाम ने कहा पाक दिल का मतलब ये कि वह जलन भी दिल के अंदर नहीं होनी चाहिए और सबसे पाक दिल वो है जिसमें तीनों चीजें ना रहें गुनाह का जज्बा भी ना रहे किसी पर जुल्म करने का जज्बा भी ना रहे हसद भी ना रहे नबी अलीलातम ने फरमाया कि जो आदमी इन दो सिफात से मुतसफ होगा जबान का सच्चा होगा दिल का पाक और दिल का मुतकी होगा यह तुम में सबसे अच्छा इंसान है इमाम बकीी की इसी रिवायत में मज़ीद अल्फाज ये भी आए हैं साहबा ने अल्लाह के नबी वम से पूछा अल्लाह के नबी वमन अला अच्छा ये सबसे अच्छा आदमी है तो इसके बाद का दर्जा किस आदमी को मिलेगा नबी अलीसम ने फरमाया कि वो आदमी यशनिया वब्बल आखिर जो दुनिया से को नापसंद करता है और आखिरत से महब्बत करता है दुनिया को नापसंद करने से मुराद क्या है आखिरत की मोहब्बत सबको समझ में आती है लेकिन आखिरत आखिरत से की की मोहब्बत ही रोशनी में दुनिया से को नापसंद करने का मफह मुत होता है उसका मतलब यह है कि वो दुनिया में जीता है दुनिया उसके हाथ में होती दुनिया उसके जेब में होती है दुनिया उसके कदमों में होती है लेकिन वो आदमी दुनिया को अपने दिल में जगह नहीं देता दुनिया को अपने दिमाग पे मुसलत होने नहीं देता दुनिया को अपने दिनों ईमान पर गलबा पाने वाला नहीं बनने देता दुनिया को अपने अल्लाह ताला की बंदगी की राह में रुकावट बनने नहीं देता वो आदमी जो दुनिया को नापसंद करता है यानी दुनिया की मोहब्बत के फितने से महफूज रहता है प्यारे वसल्लम से एक आदमी ने आकर पूछा था अल्लाह के नबी एक ऐसा अमल बना बताइए कि अगर वो अमल मैं कर लूँ तो अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे बंदे भी मुझसे मोहब्बत करें नबीलात वसलाम ने कहा था इज हत फी दुनिया दुनिया से बेरगबत हो जाओ अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और लोगों के पास जो माल है जो भी है उससे बेनियाज हो जा लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे ये वही बात है जो अल्लाह के नबी ने कही कि पहले दर्जे में सच्ची जबान और साफ दिल वाला है तो उसके बाद दूसरे दर्जे में सबसे अच्छा मोमिन वो है जो दुनिया को से, से नफरत करता है और आखिरत से मोहब्बत करता है साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी वमन अला आथरी। अच्छा इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पे कौन इंसान आएगा नबी अलीसम ने फरमाया तीसरे नंबर पे अच्छे अखलाक का मालिक जो इंसान होगा वो तीसरे नंबर पर आएगा इस हदीस ने मेरे और आपके सामने तीन तीन ऐसे लोगों का तकरा किया जो लोग खैर उन्नास की फहरिस्त में खैर उन्नास की फहरिस्त में जगह बनाने वाले नबी अलीतलाम की जबानी इस खुशखबरी को पाने वाले हैं इन तीन में से जो तीसरे हैं इनका हम आज से पहले एक और मजलिस में कर चुके हैं आज के दर्श में हमें दो ऐसे खुशकिस्मत लोगों का पता चला जो इस खैरन्नास की फहरिस्त में जगह पाते हैं एक वो लोग जिनकी जबान सच्ची और दिल साफ हो और दूसरे वो लोग जो दुनिया से महब्बत नहीं करते आखिरत से महब्बत करते हैं ये दो खुशकस्मत खुश नसीब किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह के नबी नबीसम ने खैरन्नास की फहरिस्त में जगह दी है हाजी गिरामी मैं अपनी गुफ्तगु को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताली से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताली मुझको और आपको इन दोनों सिफात का हामिल बनकर इस खुश नसीब लोगों की फहरिस्त में शामिल होने के तोफ़ी क़ा फ़रमाएँ आमीन व आखिर दावान रबीन वर्क